एस्ट्रो गुरु चैनल के मेरे प्यारे प्रिय दर्शकों, भाइयों बहनों, आज हम आपको बृहस्पति के पहले घर में होने का असर क्या होगा, अच्छा या बुरा, इस पर बिल्कुल सटीक बृहस्पति का फलादेश दूंगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, जरा सा भी वीडियो को मिस न करना। बाकी आपकी इच्छा, मेरी तरफ से आपको केवल निवेदन है कि आप सीख सकें अच्छी तरह से। ये वीडियो बृहस्पति ग्रह प्रथम घर में कैसा असर देगा, इसलिए बनाया जा रहा है। और रियलिटी में मैंने इन 32 वर्षों में जो तुलनात्मक अध्ययन किया है, उसी के फलस्वरूप हम आपको ये वीडियो देने जा रहे हैं। तो पहले घर में बृहस्पति क्या असर देगा, इससे पहले बृहस्पति के बारे में कुछ बातें जान लेना बड़ा ही जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं बृहस्पति ग्रह का स्वभाव, बृहस्पति के शत्रु और मित्र तथा सम ग्रह एवं बृहस्पति की वस्तुएं तथा बृहस्पति के माध्यम से होने वाले शरीर पर असर क्या क्या होंगे। बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और पुराणों में महर्षि की गणना सप्तऋषियों में की जाती है। बृहस्पति की माता का नाम श्रद्धा कर्दम ऋषि की पुत्री थी। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। बृहस्पति अन्य ग्रहों की अपेक्षा अधिक बलशाली, कोमल वृत्ति वाले, ज्ञान के प्रदाता तथा शुभ ग्रह हैं। धनु और मीन राशि का यह प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल ग्रह इनके अच्छे मित्र हैं, जबकि शनि, राहु और केतु न मित्र हैं न शत्रु हैं, यानी कि सम हैं। बृहस्पति के ना तो मित्र हैं और ना ही उनसे कोई शत्रुता ही रखते हैं, तो बृहस्पति के मामले में वो सामान्य बने रहते हैं। लेकिन बुध और शुक्र उनसे पक्की दुश्मनी रखते हैं। इसका कारण यह है कि वो बृहस्पति की शक्ति को स्वीकार नहीं करते। बृहस्पति जन्म कुंडली में के अंतर्गत पांचवें घर के कारक और अकेला बृहस्पति यदि लग्न में बैठा हो किसी के कुंडली में, तो लाखों दोषों को दूर कर देते हैं। ये चंद्रमा और सूर्य की तरह सदा मार्गी नहीं होते, बल्कि समय समय पर मार्गी बकरी और अस्त होते रहते हैं। ये जन्म कुंडली के जिस घर में भी मौजूद रहते हैं, वहां से तीसरे दसवें घर को एक चरण दृष्टि से, पांचवें और नवें घर को दो चरण दृष्टि से, और चौथे तथा आठवें घर को तीन चरण दृष्टि से, और सातवें, पांचवें, नवें घर को पूरी दृष्टि से देखते हैं। जिस तरह सूर्य को आत्मा का और चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, उसी तरह बृहस्पति को शरीर की शक्ति और ज्ञान का कारक माना गया है। जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छे घर में मौजूद हो और किसी पाप ग्रह की दृष्टि उन पर ना पड़ रही हो, तो विद्या बुद्धि से संपन्न, सम्मानपूर्ण जीवन बिताने वाला व्यक्ति बनता है। बृहस्पति से धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपत्ति, न्याय, संतान, स्वर्ग का सुख तथा अध्यात्म का विचार किया जाता है। जिस जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ घर में मौजूद हो, उसे निश्चित रूप से एक राजा के समान सुख प्राप्त होता है। अगर बृहस्पति की स्थिति प्रतिकूल या दोषपूर्ण हो, तो नाक, कान, गले और नजले का कारण बन जाता है, और दिल की बीमारी, टीबी, बेहोशी, सूजन और बलगम आदि बीमारियों को प्रभावित कर देता है। शरीर में कमर से लेकर जंघा तक
इनका प्रभाव क्षेत्र माना गया है। ये सूर्य के साथ सात्विक, चंद्रमा के साथ राजसी और मंगल के साथ तामसी व्यवहार करते हैं। यदि हम लाल किताब में बृहस्पति को देखें तो उसमें लाल किताब के अनुसार यही बताया गया है कि बृहस्पति कांस्य धातु, दाल, चना, गेहूं, जौ, देसी घी, पीत वस्त्र और मीठे रसीले पदार्थों का आधिपतित्व करते हैं। बृहस्पति स्त्रियों का सौभाग्य वर्धक तथा संतान सुख का कारक ग्रह हैं। हल्दी, धनिया, प्याज, ऊन तथा मोम आदि का प्रतिनिधि भी बृहस्पति ही है। इसका अशुभ प्रभाव होने के कारण प्रत्येक कार्य में व्यवधान तथा असफलता ही हाथ लगती है। समाज, परिवार तथा बंधुओं के बीच आदर नहीं होता। विद्या प्राप्त करने में भी अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। शुभ तथा बलवान बृहस्पति परमार्थी, चतुर, कोमल मति और विज्ञान का विशेषज्ञ, न्याय धर्म नीति का जानकार, सात्विक वृत्ति से युक्त तथा दौलतमंद बना देते हैं व्यक्ति को। और कहीं ना कहीं समाज में विशिष्ट प्रतिष्ठा और कीर्ति को बढ़ा देते हैं। पुरुषों को पुत्रों का सुख मिलता है और स्त्रियों का वैवाहिक जीवन सुखद होता है तथा उनके सौभाग्य को खंडित नहीं होने देते बृहस्पति देव। जन्म कुंडली में बृहस्पति के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवे, नवे, ग्यारहवें, बारहवें घर शुभ और तीसरे, छठे, सातवें, आठवें, दसवें घर अशुभ हैं। तो पहला घर यदि बृहस्पति बैठा है आपकी कुंडली में तो लग्न में बैठने के कारण जातक के ऊपर दीर्घायु, विद्वता, सुंदरता और ऐसा व्यक्ति जिसके लग्न में बृहस्पति बैठा हो उसका व्यक्तित्व धनी, ईश्वर का भक्त और सफल भविष्यवक्ता यानी ज्योतिषी बना देता है। लग्न में बृहस्पति जातक को अस्पष्ट वक्ता, स्वाभिमानी, कार्यपरायण, पुत्रवान तथा राज्य द्वारा सम्मानित करता है। अगर बृहस्पति शत्रु क्षेत्री अथवा नीचस्थ अथवा पाप ग्रहों से दृष्ट है तो जातक को नीच लोगों का दास और मानसिक रूप से चिंतित बनाता है। इसी तरह अगर लग्नस्थ बृहस्पति उच्च राशि में यानी बलवान होकर शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है तो धन दौलत सब कुछ प्रदान करते हैं। यदि मीन लग्न हो और बृहस्पति आठवें घर में हो और उस पर दो या तीन पापी ग्रहों का असर हो तो जातक ज्ञान भाव का स्वामी होता है। एक ज्ञानी ग्रह होने से बृहस्पति ज्ञान शक्ति और सूझबूझ का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा बृहस्पति आठवें घर में शत्रु की राशि में पाप दृष्टि होने से जातक को जड़ बुद्धि भी बना देता है, चाहे बृहस्पति बकरी ही क्यों ना हो। ऐसी हालत में उपाय भी कम असरकारी होता है, तो भी दान पुण्य और बृहस्पति का रत्न धारण करने से स्थिति में कुछ सुधार अवश्य किया जा सकता है। लाल किताब के अनुसार पहले घर में बृहस्पति के बारे में कुछ अजीब सा लिखा है। अपनी दिमागी ताकत के बल पर देश के रहनुमाओं से दोस्ती में महारत हासिल होगी, ऐसा लाल किताब लिखता है। जातक की तालीम पूरे दर्जे की मुकम्मल हो या ना हो मगर वो दौलतमंद जरूर होगा। निकम्मा, शक्की मिजाज का नहीं होगा। बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला होने पर भी दिल का साफ होता है जिसका बृहस्पति लग्न में हो। तबीयत का नेक और संजीदा होगा। एक बच्चे की पैदाइश के बाद दूसरे बच्चे की उम्र का फर्क 8 साल से ज्यादा नहीं होगा। एक बच्चे की पैदाइश का मतलब
जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद अगला बच्चा 8 साल से पहले ही हो जाएगा। जिसका बृहस्पति लग्न में हो ऐसा व्यक्ति कई इल्मों का जानकार सरकारी हाकिम होगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ हालत में भी सुधार आते जाएंगे। जातक यानी शख्स बतौर सन्यासी का जीवन भी बसर कर सकता है। मस्त मौला, सभी लोग उसका बहुत आदर करेंगे। पुश्तैनी जायदाद मिलेगी। शादी के बाद से ही नसीब में कयामत आ जाएगी और अपनी मेहनत की कमाई से ही ऊंचा मकान खड़ा किया जाता है। किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा क्योंकि किस्मत साथ देगी। बृहस्पति यदि पहले घर में हो, नेक हो तो। अब यदि बृहस्पति खराब है तो उसका उपाय कैसे करें, उपाय का फल सहित वर्णन करते हैं। जब पहले घर में बृहस्पति खराब करे तो बुध का उपाय करना चाहिए। क्या करें? नाक में चांदी पहने 43 दिन। नंबर 2, जन्म कुंडली के 1, 2 और 3 के कारणों को दूर करें। पहले घर, दूसरे घर और 3 तीसरे घर के कारणों को दूर करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। अगर शनि बैठा हो 12वें घर में तो कतई शराब, मांस और अंडे का परहेज करें। यदि शनि 5वें घर में हो तो शनिवार के दिन मकान न बनवाएं। यदि शनि 9वें घर में हो तो शनिवार को मशीनें बिल्कुल ना खरीदें। बुध, शुक्र या शनि की चीजें धर्म स्थान में चढ़ाएं या नदी में बहा दें बृहस्पतिवार को। और बुध का पूजा करने से उपाय हो जाता है। गाय की सेवा करेंगे तो बृहस्पति मददगार साबित होगा। और किसी अछूत की मदद करें तो ये पहले घर का बृहस्पति यदि खराब भी होगा तो आपके लिए शुभ फल देना शुरू कर देगा। ये रही पहले घर में बृहस्पति की कुंडली का फलादेश। और कैसा लगा हमें जरूर बताएं। यदि समझ में आता है तो बताएं, नहीं समझ में आता है तो बताएं। यही लेता हूं विदा। नमस्कार।